नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। मेरे साथ इस समय सुभाष शर्मा जी हैं जो कि पंजाब बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं। शर्मा जी पंजाब में बड़े पैमाने पर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, आज तेजिंदर सिंह हुए हैं, करमजीत कौर हुई हैं, क्या देख रहे हैं पंजाब की स्थिति को? पंजाब में भाजपा बहुत ज़्यादा मजबूत हो रही है और कारवां हमारा बढ़ता जा रहा है। सभी दलों के लोग जिनको लगता है कि पंजाब की बेहतरी अब मोदी जी के साथ चलने में है, वो बड़ी मात्रा में शामिल हो रहे हैं और एक पूरी लहर पंजाब में चल रही है। तो आप देखेंगे जिस प्रकार देश के रिजल्ट आएंगे, पंजाब के रिजल्ट भी उसी लाइन में आएंगे और भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है। एक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का दिल्ली में समझौता हो चुका है, पंजाब में वो फ्रेंडली मैच लड़ रहे हैं, बड़ी एक दुविधा है, क्या लगता है कि किससे मुकाबला? उनको लगता है कि पंजाब के लोग बुद्धू हैं, हम चंडीगढ़ में अलायंस लड़ेंगे, दिल्ली में अलायंस में लड़ेंगे, हरियाणा में अलायंस में लड़ेंगे और पंजाब में अलग अलग फ्रेंडली मैच खेलेंगे तो पंजाब के लोगों को समझ नहीं आएगा। पंजाब के लोग समझ गए कि कांग्रेस एंड आम आदमी पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, नत्था सिंह एंड प्रेम सिंह वन एंड द सेम थिंग। सो कांग्रेस का भ्रष्टाचारी चेहरा और आम आदमी पार्टी की जिस प्रकार की भ्रष्ट सरकार अब चल रही है, ये सब मिले हुए हैं। ये आज पंजाब की जनता के समक्ष बात बिल्कुल साफ हो गई है, इसीलिए अब अल्टरनेट के नाते वहाँ भारतीय जनता पार्टी को लोग देख रहे हैं और अब देखेंगे बहुत बड़ी जीत पंजाब में बीजेपी की होने वाली है। केजरीवाल जेल में है, इसका क्या असर आप देख रहे हैं पंजाब में आम आदमी पार्टी को, क्योंकि सरकार वहाँ है? लोगों को लगा कि यार जो आदमी बड़ी ईमानदारी की बातें करता था, कट्टर ईमानदार कट्टर, वो इतना बड़ा बेईमान, इतना बड़ा चोर निकला और एक्साइज घोटाले में जिस प्रकार की, और सेम घोटाला पंजाब में भी हुआ, तो इसलिए पंजाब के लोग बहुत दुखी हैं कि भाई हमने किन लोगों को चुन लिया, किन लोगों के बहकावे में आ गए, वो अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। कितनी सीटें आपको मिलने जा रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि पंजाब में ही बीजेपी जो है कांग्रेस युक्त हो गई है, सबसे ज़्यादा नेता जो हैं वो पंजाब में शामिल हुए कांग्रेस के। देखिए जो भी अच्छे लोग हैं जिनको लगता है कि अब पंजाब की बेहतरी मोदी जी के साथ चलने में है, पंजाब बहुत क्राइसिस में है, जिस तरह से पंजाब में आर्थिक संकट है, कर्जा बढ़ रहा है, जिस तरह की लॉ एंड ऑर्डर की पंजाब की हालत हो गई है, जो बात कभी हम यूपी और बिहार के लिए कहा करते थे आज पंजाब में वो बात है, तो उन सब लोगों को लग रहा है कि बीजेपी ही है जो इस खड्डे में से पंजाब को निकालेगी, तो इसलिए बड़ी गिनती में आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक भी सीट कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को नहीं आ रही है, बीजेपी की वहाँ बिल्कुल स्पष्ट जीत हो गई। एक आखिरी सवाल आपसे जानल कि अभी हंसराज हंस फरीदकोट में गए थे, इस तरह से जो किसानों का भी एक उग्र आंदोलन वहाँ कई बार देखने को मिलता है, वहाँ पर गांव में जाने नहीं देते, इस तरह की भी घटना? उस जगह पे किसान यूनियन के लोग हैं, वो सब लेफ्ट के लोग हैं, वो विरोध कर रहे हैं, आम किसान जो है वो हमारी बात सुन भी रहा है, हमारी बात समझ भी रहा है और मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास भी व्यक्त कर रहा है। पंजाब में अगर हम जीत रहे हैं तो किसानों के समर्थन से ही जीत रहे हैं, सो इसलिए हम अपनी बात गांव-गांव लेके जा रहे हैं और आप देखेंगे धीरे धीरे हमारा समर्थन गांव में भी बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे सुभाष शर्मा जी जो कह रहे थे कि बीजेपी जो है वो पंजाब में अच्छा प्रदर्शन करेगी और जहाँ तक किसानों के द्वारा विरोध करने की बात है वो किस गुने चुने ही किसान यूनियन के नेता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति और आप बने रहें ब्रॉडकास्ट मंत्रा के साथ।